दक्षिण समंदर में एक अनोखा नजारा दिखना शुरू हो रहा है। एक एक करके कई बड़े बुलबुले सतह पर आ रहे हैं। इन सभी बुलबुलों के बीच समान दूरी है। और ये बुलबुले बेहद विशाल हैं। हलचल देखकर पक्षी भी जमा हो गए। ये समंदर में रहने वाले लाखों बेहद छोटे जीवों के ऊपर आने का इंतजार कर रहे हैं, जो बुलबुलों से बने हवा के जाल में फंसे होंगे। उन्हें फंसाया जाता है, घेरा जाता है और कुछ ही पलों में खा भी लिया जाता है। दिन की शुरुआत के साथ ही धरती के हर कोने में नई जंगें शुरू हो जाती हैं। ढेर सारे जीव साथ रहकर कभी आसानी से बच पाते हैं, कभी कई जीवों का पेट भरते हैं, कभी ताकतवर जीव हारते हैं और कमजोर जीत जाते हैं। ये साथ मिलकर शिकार को घेर कर और एक दूसरे को बचाकर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के किम्बर्ली इलाके के पास के समंदर में एक माँ और उसका बच्चा साथ तैर रहे हैं और उनका प्यार साफ दिखाई दे रहा है। इस ट्रॉपिकल समंदर में इनके आखिरी दिन बचे हैं, क्योंकि अब वेल्स को यहाँ से दक्षिण की तरफ जाना होगा। हम्पबैक वेल्स की तादाद बहुत कम हो गई थी, लेकिन अब इनकी गिनती लाखों में है। वो ऑस्ट्रेलिया के पास समंदर के जिस हिस्से से दक्षिण जाती हैं, अब उसे हम्पबैक हाईवे कहते हैं। ये दुनिया में किसी मैमल का सबसे लंबा माइग्रेशन होता है। इसमें ये वेल्स 3 महीनों के वक्त में 5,000 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। ट्रॉपिकल समंदर जहाँ वो बच्चे पैदा करती हैं, उसे छोड़कर वो वहाँ जाती हैं जहाँ ज्यादा खाना मिलता है, यानी एंटार्क्टिका के पास। यहाँ एक एंटार्क्टिक क्रिल रहती है, एक छोटी सी श्रिम्प जो बेहद अहम होती है। क्रिल्स सर्दियों में एंटार्क्टिका के पास जमी समुद्री बर्फ के नीचे रहते हैं और उसमें फंसे हुए एल्गी से पेट भरते हैं। लेकिन गर्मी आने पर जब बर्फ पिघलती है, तब उन्हें एल्गी को खाने के लिए वापस पानी की सतह पर आना पड़ता है। उनके झुंड बहुत बड़े होते हैं, जिनमें हर क्यूबिक मीटर में 30,000 जीव तक होते हैं। और ये झुंड लंबाई और चौड़ाई में सैकड़ों मीटर तक फैले होते हैं, तो ये अपने आप में एक विशाल जीव जैसे दिखते हैं। साथ रहकर ये खुद को महफूज रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही ये चमकते भी हैं। माना जाता है कि ऐसा करके ये इतनी बड़ी तादाद में तैरने पर जो परछाई बनती है, उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वेल्स विशाल झुंडों को ढूंढना अच्छे से जानती हैं। वो समंदर की सबसे बड़ी और सबसे माहिर शिकारी होती हैं।
समंदर में लंबा और थकाने वाला सफर करके ये माँ और बच्चा आखिरकार एंटार्क्टिका पहुँच गए हैं और इन्हें भूख लगी है। यहाँ आने के बाद ये 4 महीने यहीं रहकर भरपेट खाना खाती रहती हैं। एडल्ट हम्पबैक्स विशाल होती हैं, लेकिन उनका गला एक ग्रेपफ्रूट से चौड़ा नहीं होता और उन्हें जिंदा रहने के लिए छोटे जीवों को बड़ी तादाद में खाना पड़ता है। उनके शरीर के नीचे की तरफ बने विशाल खांचों की मदद से वो अपने मुंह को फैलाकर बहुत बड़ा बना लेती हैं। इससे वो मुंह में बहुत सारा पानी भर लेती हैं और अपने बेलीन से क्रिल्स को छान कर खा लेती हैं। ये एक बार में आधा टन क्रिल्स को निगल सकती हैं। ये अकेले ही बहुत अच्छे से शिकार कर लेती हैं, लेकिन हाल ही में देखा गया है कि अंटार्कटिका में हम बैग्स भी मिलकर शिकार करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिल्स को खा सकें। एक व्हेल पानी के अंदर से सांस छोड़ते ही बबल फीडिंग की शुरुआत करती है, फिर दूसरी उसके साथ वहां आकर शिकार के पास बुलबुलों का जाल बनाती है जो 30 मीटर चौड़ा होता है। इन बुलबुलों के घेरे को छोटा करके व्हेल्स क्रिल्स को छोटी सी जगह में घेरने लगती हैं और आखिर में जाकर उनमें से एक व्हेल खाना शुरू करने की आवाज लगाती है और पूरा झुंड एक साथ मुंह खोलकर ऊपर की तरफ आता है और क्रिल्स की दावत खाता है। काफी लंबे समय तक माना जाता था ऑर्किस मौका परस्त होती हैं और उन्हें जो शिकार मिल जाए उसे खाकर पेट भर लेती हैं। लेकिन अब हम जानते हैं ये कुछ किलो व्हेल्स मिलकर कुछ खास जीवों का शिकार करती हैं। वो उन खास जीवों को पकड़ने के लिए शिकार की अनोखी तकनीकें भी बना लेती हैं। अर्जेंटीना के वाल्डेस पेनिनसुला में किनारे पर सदन सी लायंस की भीड़ लगी है। किनारे के पास के पानी और कम गहरी जगहों में साउथ अटलांटिक सी जैसा तेज बहाव नहीं होता और पानी में खाने के लिए ढेर सारे छोटे जीव हैं, तो ये बच्चे पैदा करने की बेहतरीन जगह है। लेकिन यहाँ ऑर्कस का एक झुंड भी है। लो टाइड के वक्त किनारे पर एक रीफ दिखने लगता है। यहाँ का पानी कई नहरों से होते हुए समंदर में निकल जाता है। इस वक्त के दौरान सी लायंस के बच्चे महफूज होते हैं, लेकिन टाइड के वापस आने पर यही जगहें ऑर्किस के लिए शिकार करने का मैदान बन जाती हैं। झुंड ने सीख लिया है कि छोटे और कम तजुर्बे वाले सी लायंस का शिकार कैसे करना है। ये स्ट्रैंड फीडिंग नाम की अनोखी और खतरनाक तकनीक अपनाते हैं। सी लायंस के बच्चों का एक झुंड पानी में खेल रहा है। ये बच्चे अभी नया नया तैरना सीख ही रहे हैं। थोड़ी दूर से ऑर्किस उन पर नजर रख रही हैं। ये नादान बच्चे इस खतरे से बिल्कुल अनजान हैं। पीछे से एक ऑर्का करीब आ रही है। ये पूरी तेजी से एक सी लायन को पकड़ने के लिए आगे आती है और एक बस की तरह किनारे से टकरा कर लगभग पानी से बाहर आ जाती है।
लेकिन छोटा और फुर्तीला होने के भी फायदे होते हैं। ऑर्कस कई बार चूक जाती हैं और हर बार में इन बच्चों को जान बचाने से जुड़ा एक अहम सबक मिलता है। आखिरकार कई कोशिशों के बाद ये ऑर्का एक बच्चे को उसके फ्लिपर से पकड़ लेती है और वो मारा जाता है। हर ऑर्का हर दिन 3 सी लायन के बच्चों को खा सकती है और पेट भरने के बाद वो शिकार के साथ खेलती भी है। कभी कभी इस बेरहमी के बाद वो दरिया दिली दिखाकर सबको चौंका भी देती है। ये ऑर्का एक खुशकिस्मत बच्चे को वापस किनारे पर ले आई है और बच्चा तैरने से जुड़े इस सबक को कभी भूल नहीं पाएगा। डॉल्फिन्स का एक ऐसा ही और झुंड है जो स्ट्रैंड फीडिंग करता है और वो साउथ कैरोलिना के टाइडल क्रीक्स में शिकार करता है। लेकिन ये बॉटल नोज डॉल्फिन्स मछलियों का शिकार करती हैं और इसलिए इनकी तकनीक और भी ज्यादा चालाकी और अक्लमंदी से भरी हुई है। समंदर के पानी में ये झुंड मलट के एक झुंड को घेर कर किनारे के पास ले आता है। उन्हें किनारे के पास लाकर डॉल्फिन्स एक लाइन बनाकर एक दूसरे के करीब आ जाती हैं और उनकी तरफ तेजी से बढ़ती हैं। इस तरह आगे बढ़कर वो अपने शरीरों से पानी में एक बड़ी लहर बनाती हैं और उस लहर के साथ मलट्स उछलकर किनारे पर आ जाती हैं। डॉल्फिन्स इन मछलियों को पकड़ने के लिए खुद भी किनारे पर आने का खतरा उठाती हैं। कभी कभी उनका पूरा का पूरा शरीर पानी से बाहर आ जाता है। वो ज्यादा से ज्यादा मछलियां खाती हैं और फिर किनारे की ढलान के सहारे फिसलकर पानी में लौट जाती हैं। कोई मछली बेकार नहीं जाती। ना जाने किस वजह से डॉल्फिन्स स्ट्रैंड फीडिंग का काम हमेशा दाईं तरफ लेट कर करती हैं, इसलिए कई सालों बाद उस तरफ के दांतों पर रेत जैसे निशान बन जाते हैं। स्ट्रैंड फीडिंग एक खास तकनीक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को अपनी माँ से सीखनी पड़ती है। ये अकलमंदी और माहौल के मुताबिक ढलने की काबिलियत का सबूत है। ज्यादातर डॉल्फिन्स अपनी ही स्पीशीज के साथ मिलकर शिकार करती हैं और अपने परिवार के साथ ही रहती हैं। लेकिन लगूना नाम के ब्राजीलियन सी विलेज में यहाँ के मछुआरों ने एक अनोखा रिवाज अपना लिया है। उन्होंने तकरीबन एक सदी से यहाँ डॉल्फिन्स के एक झुंड के साथ
बेहद मजबूत और अनोखा रिश्ता बना लिया है। दोनों को मालिक बहुत पसंद है। आमतौर पर इनमें मुकाबला होता है, लेकिन यहाँ ये एक दूसरे की काबिलियत का फायदा उठा रहे हैं। डॉल्फिन्स शुरुआत में मछलियों को किनारे की तरफ ले जा रही हैं, और किनारे के पास मछुआरे अपने अपने जाल लेकर तैयार खड़े हैं। कुछ लोग नजर न आए इसलिए प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। डॉल्फिन्स के करीब आने पर उनकी पूंछ के इशारे से मछुआरे सतर्क हो जाते हैं। मछलियों के करीब आते ही मछुआरे तुरंत पानी में अपने जाल डाल देते हैं। जो मछलियां वापस मुड़ती हैं, उन्हें डॉल्फिन्स खा लेती हैं। इस तरह दोनों का फायदा होता है। झुंड में शिकार करने से ज्यादा शिकार पकड़े जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मांसाहारी जीव अकेले शिकार करते हैं। और अगर वो जीव बहुत विशाल हो जिसे कुछ ज्यादा भूख लगती है, तो अकेले रहने में फायदा होता है। ये विशाल व्हेल शार्क समंदर की सबसे बड़ी मछली होती है। इसकी लंबाई 20 मीटर तक पहुंच सकती है। ये ना तो काट और चबा सकती है, ना ये बहुत तेज होती है। ये ट्रॉपिकल समुद्रों में सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती है, लेकिन इसे शिकार का पीछा नहीं करना पड़ता। इसका मुंह बहुत बड़ा है और उसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। ये एक माहिर शिकारी होती है। मुंह खोलकर तैरते हुए ये हर घंटे एक बड़े स्विमिंग पूल के 1/4 हिस्से जितना पानी खींच लेती है और छोटी श्रिम्प, मछलियों और स्क्विड्स को खा जाती है। इतने बड़े शरीर की भूख मिटाने के लिए ये रोज लगभग 25 किलो जीवों को खा जाती है। इतनी बड़ी मछली अपने आसपास एक हैबिटेट बना लेती है और दूसरे जीवों को शिकार करने की जगह देती है। रेमोरास व्हेल शार्क से चिपके रहते हैं। वो इसके शरीर के पैरासाइट्स को खाते हैं और मुफ्त की सवारी करते हैं। जो जीव फूड चेन में सबसे नीचे होते हैं, वो छिपे रहकर ही शिकारियों से बच पाते हैं। इसलिए ज्यादातर छोटे समुद्री जीव कम गहरे पानी से दूर रहते हैं, जहां धूप की रोशनी होती है। लेकिन जब सूरज ढलता है, तब लाखों करोड़ों जीव गहराई से बाहर आते हैं, जहां वो दिन के वक्त छिपते हैं। कभी कभी वो पानी की सतह के सैकड़ों मीटर नीचे रहते हैं और वहां से खाना खाने ऊपर आते हैं। समुद्री जीवों का ये ऊपर की तरफ का सफर दुनिया का सबसे बड़ा सिंक्रोनस माइग्रेशन होता है। इनके बाहर आने से उन जीवों के लिए खाने की भरमार आ जाती है जो रात में शिकार करते हैं। रात के अंधेरे में रंग का कोई फायदा नहीं होता,
इसलिए शिकार अक्सर पारदर्शी शरीर वाले होते हैं और शिकारी जीवों ने शिकार को ढूंढने, फंसाने और खाने के अनोखे तरीके ढूंढ लिए हैं। एक बास्केट स्टार समंदर के तल में सफर करता है। ये एक माचिस की डिब्बी जितना बड़ा था, लेकिन अब फैलकर 1 मीटर का हो गया है। ये एक जगह पकड़कर गहराई से बाहर आ रहे जू प्लैंक्टन्स को पकड़ने की कोशिश करता है। पंख जैसे क्राइनॉइड्स ऐसे हिलते हैं जैसे नाच रहे हों, और समंदर के पानी में से जीवों को छान कर खा लेते हैं। छोटी मछलियों का एक झुंड एक शांत पड़े एनामनी के पास से गुजरता है। वो उन्हें बेबस करके जिंदा पचा लेता है। अब स्क्विड की बारी है। दिन में शिकार करने वाले कुछ जीव भी इस दावत के लिए देर रात तक जागते हैं, मगर कभी कभी शिकारी शिकार बन जाते हैं। पानी में छोटी छोटी जेलीफिश की भीड़ है जो जू प्लैंक्टन्स का शिकार कर रही हैं। समुद्री मच्छरों जैसे खून चूसने वाले ईसोपॉड्स भी अनजान जीवों पर हमला करने भारी तादाद में बाहर आ जाते हैं। एक पैरटफिश ने मच्छरदानी जैसी चीज बना ली है। ये म्यूकस का बना एक विशाल बबल है जो इसे इन रात के हमलावरों से बचाएगा। सुबह होने तक सारी भीड़ छंट जाती है। रात का अंधेरा खत्म होते ही सारे छोटे जीव फिर से अपने खुफिया अड्डों में जाकर छिप जाते हैं। कई अलग अलग जीव रात में होने वाले इस माइग्रेशन के सहारे जीते हैं, और ये कोरल रीफ्स के जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया के 7 कुदरती अजूबों में से एक है। ये 5 लाख सालों से यहाँ मौजूद है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर तकरीबन 2000 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जीता जागता स्ट्रक्चर। ये लाइमस्टोन की परतों से बना है जो बहुत अरबों खरबों छोटे जीवों के स्केलेटन्स के अवशेष हैं। अपने पूर्वजों के ऊपर अपना घर बनाने वाले ये सैकड़ों किस्म के कोरल्स कई तरह के अलग अलग जीवों को रहने के लिए शानदार जगह देते हैं। उनके रंग बिरंगे होने और जिंदा रहने के लिए एक सिंबायोसिस जरूरी है। एल्गी पॉलिप्स के अंदर रहते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए उन्हें खाना और एनर्जी देते हैं। बदले में एल्गी को इस काम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और रहने की महफूज जगह मिलती है। लेकिन सूरज के डूबने पर फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है और पॉलिप्स शिकार करने बाहर आते हैं। आखिरकार ये मांसाहारी जो होते हैं। कम गहरे पानी में अब भी एकदम अंधेरा है, और यहां एक हैरत अंगेज बदलाव हो गया है। अपने टेंटिकल्स फैलाकर
कोरल्स घात लगाकर वार करने वाले बेहद खतरनाक शिकारी बन गए हैं। कुछ लगातार हिलते रहते हैं, कुछ शिकार को मुंह के अंदर खींच लेते हैं। एक सन कोरल का नजारा हॉरर शो जैसा होता है, जिसमें दम तोड़ते जीव फंसे दिखाई देते हैं। सिर्फ बड़े और ताकतवर जीव ही आजाद हो पाते हैं। एक छोटा क्रस्टेशियन जान बचाने के चक्कर में अपना पैर तोड़वा लेता है, बाकी जीव नाकाम हो जाते हैं। इन भूखे कोरल्स के टेंटिकल्स से बचने के लिए बड़ा और ताकतवर होना जरूरी होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बाजी पलट भी सकती है, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ के कई जीवों के लिए ये रसीले कोरल पॉलिप्स सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना होते हैं। समंदर के तल पर एक फौज इकट्ठी हो गई है। छोटे छोटे ट्यूबुलर पैरों से वो आगे बढ़ रहे हैं। ये क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश एक खतरनाक शिकारी होती है। ये हर साल 10 करोड़ तक अंडे दे सकती है। और इनकी तादाद हद से ज्यादा बढ़ सकती है। साथ मिलकर ये स्टारफिश कोरल पॉलिप्स को जिंदा खाकर ग्रेट बैरियर रीफ से जिंदगी और रंग दोनों छीन लेते हैं। इनके जाने के बाद जहां पहले खूबसूरत इकोसिस्टम थे, वहां बस सूने सफेद स्केलेटन्स रह जाते हैं। स्टारफिश को तेजी से बढ़ने वाले स्टैगहॉर्न कोरल्स पसंद होते हैं, और स्टैगहॉर्न की तादाद कम करके वो इस रीफ में संतुलन बनाती हैं और धीमे बढ़ने वाले कोरल्स को बराबरी का मौका देती हैं। लेकिन स्टारफिश बहुत ज्यादा हो तब वो सभी कोरल्स को खाती हैं और रीफ के बड़े हिस्सों को तबाह कर देती हैं। लेकिन रीफ का एक जीव है जिसके आते ही सभी स्टारफिश जान की खैर मनाने लगती हैं। जायंट ट्राइटन, जिसे ग्रीक देवता का नाम मिला है, दुनिया के सबसे बड़े सी स्नेल्स में से एक है। ये मांसाहारी है, इसे स्टारफिश बहुत पसंद है और ये खास मकसद से निकला है, जो है क्राउन ऑफ थॉर्न्स का शिकार करना। हर मिनट में 30 सेंटीमीटर की दूरी तय करने वाली यह दुनिया की सबसे तेज स्टारफिश में से एक है, लेकिन स्नेल ज्यादा तेज है। शिकार के पास पहुंचकर यह शिकार के जहरीले स्पाइन्स की परवाह नहीं करता। इसके पास खुद का खतरनाक केमिकल है। ये स्टारफिश के नीचे के नर्म हिस्से तक पहुंचता है और एक नुकीले दांत की मदद से उसकी खाल पर घाव करके बेबस करने वाला सलाइवा छोड़ता है। शिकार को बेबस करके ये उसे आराम से खाता है, और इस तरह
ये रीफ के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करता है। ये एक हफ्ते में सिर्फ एक स्टारफिश खा सकता है, लेकिन पानी में इसकी गंध आते ही स्टारफिश की पूरी फौज डर कर वहां से भाग जाती है। इस तरह अनजाने में ये इस जन्नत जैसे खूबसूरत रीफ की हिफाजत करता है। गर्म और गीली जगहें अक्सर रहने के लिए सबसे अच्छी होती हैं। इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तरह तरह के जीव रहते हैं। ये जंगल धरती के सिर्फ 2% हिस्से में फैले हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा किस्म के जीव रहते हैं। किसी को नहीं पता कि इस इकोसिस्टम में कितने किस्म की स्पीशीज पाई जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ 3 करोड़ किस्म के जीव हैं। इसलिए लड़ाई भी बहुत होती है, और अक्सर यहाँ के सबसे छोटे जीव सबसे ज्यादा बेरहमी दिखाते हुए लड़ते हैं। वो साथ मिलकर लड़ते हैं ताकि ज्यादा बेहतर हमला कर सके। जैसे इस ऑस्ट्रेलियन डेन ट्री में ग्रीन एंट्स का एक बड़ा झुंड घर बना रहा है। इस पेड़ के पूरे ऊपरी हिस्से में 100 से भी ज्यादा घर बने हुए हैं, यानी कि इस पर हजारों लाखों चींटियां रहती हैं। इनके घर सिर्फ पत्तों और इनके शरीर के केमिकल्स से बनते हैं और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना होते हैं। ये इन चींटियों के डिसिप्लिन, काबिलियत और मिलकर काम करने की कोशिश का सबूत होते हैं। पहले इन्हें दूर उगे पत्तों को पास में लाना होता है। इसके लिए ये एक एक्रोबैटिक चेन बनाते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। हर चींटी पीछे के पैरों पर खड़ी होती है और आगे की चींटी को पकड़ती है। फिर अपने मजबूत जबड़ों से पकड़कर वो पत्तों को पास में लेकर आती है। ये उन्हें पकड़ कर रखती हैं, फिर दूसरी वर्कर्स यहाँ आती हैं। इन चींटियों का एक अलग काम होता है। वो अपने लार्वे लाती हैं और उन्हें गोंद की ट्यूब्स की तरह दबाती हैं। जिनसे चिपचिपा सिल्क निकलकर पत्तों को जोड़ देता है। चींटियों को इसी तरह साथ मिलकर तालमेल के साथ काम करना पड़ता है जब उन्हें अपने आप से काफी बड़े जीवों को मार गिराना होता है। ये उनके केमिकल फेरोमोन्स की मदद से उन्हें ढूंढकर उनका शिकार करती हैं। ये डंक नहीं मार सकती, लेकिन अपने मजबूत जबड़ों से दूसरे कीड़ों के एक्सोस्केलेटन में छेद करके उनके घाव के अंदर एसिड छोड़ देती हैं। बेबस होते ही शिकार को घसीटकर घर ले आती हैं, जहां झुंड की सभी चींटियां मिलकर उसे खाती हैं। दूसरे कई शिकारियों की तरह ग्रीन एंट्स इस तरह बड़े पैमाने पर शिकार करके पूरे जंगल के लिए एक बेहद जरूरी काम करती हैं। जब वो अपने खुद के घरों की हिफाजत करती हैं, तो साथ पेड़ों को कीड़ों के हमले से भी बचाती हैं। लेकिन एक दूसरे की मदद करने की इनकी आदत ही इनकी कमजोरी भी होती है।
जो पहले दिखने में एक वर्कर चींटी लगती है, असल में वो एक मकड़ी है और यहाँ चींटियों का शिकार करने आई है। न सिर्फ ये ग्रीन एंट जैसी दिखती है बल्कि वैसा बर्ताव भी करती है। अपने आगे के पैर ऊपर उठाकर रखती है। जाल से लटकते हुए ये घायल चींटी होने का नाटक करती है और इंतजार करती है कि दूसरी चींटी मदद करने के लिए इसके पास आए। इस मकड़ी से कुछ मिलीमीटर दूर होने पर भी ग्रीन एंट हैरान है और इसे पहचान नहीं पा रही है। जब मकड़ी हमला करने के लिए अपनी जगह बदलती है, तब भी चींटी अपनी जगह से हिलती नहीं है। खेल खत्म। सारी दुनिया में कई कीड़ों की तादाद कम हो रही है। इसकी कई वजहें हैं, जैसे बदलता मौसम, पेस्टिसाइड्स और हैबिटेट की तबाही। पर सारे कीड़े खत्म नहीं हो रहे। अफ्रीकन महाद्वीप में बहुत भयंकर आंधी तूफान आने वाला है। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। नदियों में बाढ़ आने लगी है और यहाँ की गीली मिट्टी में डेजर्ट लोकस्ट मिलकर करोड़ों अंडे देने लगते हैं। और जब पानी कम होता है, तब एक नई मुसीबत पूरे आसमान को ढक लेती है। कुदरत में बहुत सारे मेहनती जीव होते हैं, जिनकी मेहनत से उनके आसपास जीवन पनपता है। अगर बीज न होती तो दुनिया मायूस या बेरंग हो जाती। ज्यादातर फूलों ने इसीलिए खुद में रंग और खुशबू पैदा की है, ताकि इन छोटे पॉलिनेटर्स को आकर्षित कर सकें। और इस तरह की बहुत सारी बीज होती हैं। इनकी 20,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं। ज्यादातर अकेली रहती हैं, लेकिन हनी बीज बड़ी बड़ी कॉलोनीज में साथ मिलकर रहती हैं और लगातार शहद बनाने में लगी रहती हैं। इनके छतों के अंदर वर्कर्स बीज वैक्स से बने खांचों में नेक्टर जमा करते हैं और उन पर अपने पंखों से हवा करके वो नेक्टर का पानी सुखाते हैं और इस तरह नेक्टर से शहद बनता है। अपने पंखों की मसल्स हिलाकर वो अपने छत्ते को गर्म भी रखती हैं। उसका तापमान हर मौसम में 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। लेकिन कुछ हनीबीज ने इस तकनीक को अपनी जान बचाने का जरिया बना लिया है, जिससे वो अपने सबसे खतरनाक शिकारी से बच पाती हैं। ज्यादातर जीव हनीबीज के छत्ते पर शहद के लिए हमला करते हैं, लेकिन एशियन जायंट हॉर्नेट नहीं। ये विशाल हॉर्नेट एक छत्ते के अंदर पहुंचने के कुछ पलों बाद ही खतरनाक हमला करता है। ये बीज इस हमलावर के शरीर को पूरी तरह से ढक लेती हैं और हॉर्नेट गर्म होने लगता है। बीज के इस ढेर के अंदर का तापमान 46 डिग्री पहुंच जाता है, जिससे हॉर्नेट गर्म होकर मर जाता है।
शिकार और शिकारी के बीच के संतुलन की वजह से जीवों का एवोल्यूशन होता है। ये संतुलन आसानी से बिगड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर बड़े मांसाहारी जीव खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक शिकारी बचा हुआ है, वो है डिंगो। भेड़ियों के वंशज ये डिंगोज हजारों सालों से यहाँ इस महाद्वीप पर रहने आए हैं। इन्होंने यहाँ पर हर तरह के हैबिटेट में अपना घर बना लिया है। बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर रेगिस्तानों तक हर जगह में ये मौका परस शिकारी होते हैं। और अब यही ऐसे कुदरती शिकारी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के ढेर सारे शाकाहारी जीवों की तादाद को काबू में रख सकते हैं। ग्रे कैंगरूज का एक झुंड चौकन्ना हो गया है। डिंगोस के एक झुंड ने उन्हें देख लिया है और उनके पीछे पड़ गए हैं। कैंगरूज ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन वो जल्दी घबरा जाते हैं, खासकर अकेले पड़ने पर। ये कुत्ते अपने शिकार को लंबी घास की तरफ खदेड़ते हैं, जहां शिकार सबसे बड़ी गलती करता है। कम उम्र के डिंगोज आसान शिकार ढूंढते हैं, जैसे पालतू जानवर। इस बड़े पैडक में धीरे दौड़ने वाली ये भेड़े आसानी से पकड़ी जाएंगी। ये कुत्ते कई भेड़ों पर हमला करते हैं, कुछ को काटते भी हैं। कुछ को जिंदा खा जाते हैं। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के देहाती इलाकों में लोगों को डिंगोस से सबसे ज्यादा नफरत है। डिंगोस को पालतू जानवरों से दूर रखने के लिए दुनिया की सबसे लंबी फेंस बना दी गई है, जो 5,000 किलोमीटर लंबी है। लेकिन ये साबित हो चुका है कि इससे पालतू जानवरों और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान हुआ है। खरगोश, कैंगरूज और लोमड़ियों जैसे जानवरों का शिकार करके डिंगोज घास, जमीन और बायोडायवर्सिटी की हिफाजत करते हैं, जिससे भेड़ों की जिंदगी और बेहतर होती है। जब से जीवन की शुरुआत हुई है, तब से यही कहानी दोहराई जा रही है। चाहे लड़ना हो या भागना हो, तादाद कम हो या ज्यादा, ताकतवर जीव कमजोर जीवों को ताकतवर बनाते हैं। कुदरत के मास अटैक्स में Oh.